परिवहन विभाग की बगैर अनुमति के मॉडिफाई वाहन पंजे का प्रयोग कर रहा है। वन विकास निगम, मजदूरों के पेट पर मारी जा रही लात। कुमायूं में वन विकास निगम के अधिकांश लकड़ी डिपो में परिवहन विभाग की बगैर अनुमति के परिवर्तित वाहन पंजे के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे मजदूर की रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा बनाए गए किसी भी वाहन में बगैर परिवहन विभाग की अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु नैनीताल जिले के अधिकांश वन विकास निगम प्रकोष्ठ के डिपो में ऐसे मॉडिफाई किए गए वाहनों की भरमार है, जो कि मजदूरों के हितों के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। परिवहन विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई भी वाहन व्यवसायिक कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस बाबत जब सक्षम अधिकारियों से बात की गई तो टनकपुर चंपावत के डीएम एस मोहन चंद्र जोशी पत्रकार पर भड़क गए और बोले कि हम ऐसे वाहनों को अपने डिपो में एंट्री नहीं देते, जाओ आरटीओ से शिकायत कर दो, हम किसी से नहीं डरते। अब उनके इस व्यवहार के पीछे क्या कारण है, यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब वन विकास निगम के आरएम केएन भारती से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मजदूरों की सुरक्षा एवं मजदूरों की कमी के चलते ऐसे वाहन को अनुमति दे दी गई है, जिससे वन निगम की लोडिंग अनलोडिंग के कार्यों में बाधा ना पड़े और कार्य अनावरत चलता रहे, तथा इस लोडिंग अनलोडिंग का भुगतान ठेकेदार द्वारा मजदूरी के रूप में पंजे मालिकों को किया जाता है। कमजोर आपने वन निगम को समझ रखा है, और किसी विभाग में आपके पास ब्लैकमेलिंग बनी है, गन्ने गन्ना इतना समझ जब पंजा भर रहा है, गन्ने के इतने ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं उसमें नहीं दिख रहा आपको, वो भी तो सरकारी। मैं एक महीना हो गया यहाँ आए, आप लोगों के माध्यम से इस बात की जानकारी लाई जा रही है। आप लोग पूर्व परिचित हैं कि अभी हमारा देश कोविड से जूझ रहा है, और उसमें मजदूरों को कम से कम प्रयोग करने के लिए और कोविड से बचने के लिए जो हमारे क्रेता लोग हैं, उनकी ये डिमांड थी हमारे डीएसएम से कि हम अपना जो है लोडिंग का काम इस पंजे से फिलहाल कर लें, ताकि हमें लोड करने में कोई उसमें दिक्कत ना हो। तो हमारे जो क्रेतागण हैं, वो जो है इस लकड़ियों को लोड करने के लिए अपने ट्रैक्टर में वो इसका उपयोग कर रहे हैं, और ये इसी काम के लिए केवल उपयोग किया जा रहा है कि ये कार्य जो है हमारे क्रेतागण खुद जो है उसको लोडिंग का काम कराते हैं, और ये भुगतान उनके स्तर से किया जाता है, हमारे डीएसएम या हमारे विभाग के स्तर से लोडिंग का जो है भुगतान नहीं किया जाता है। वो क्रेतागण खुद जो है अपना लदवाते हैं और उनको भुगतान करते हैं, तो उनको सुविधा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। क्रेता मिल के अपना उपंजा ले आते हैं, जैसे जैसे उनका लोडिंग का कार्य रहता है उस तरह से उपयोग कर लेते हैं।